अमेरिका में बैंकिंग संकट यानी कि यूएस बैंक क्राइसिस और इसका यूरोप के बड़े बैंकों पर असर, ये मुद्दा तो सुर्खियों में है ही और आप और हम इसे आए दिन सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल है जो इन डूब चुके या डूबने के कगार में पहुंच चुके बैंकों के ग्राहकों के मन में खड़ा हुआ है, वो ये है कि आखिर उनके पैसों का क्या होगा। अमेरिकी रेगुलेटर और सरकार दोनों की ओर से कहा जा रहा है कि ग्राहकों का पैसा मारा नहीं जाएगा, लेकिन उनका पैसा कब और कैसे लौटाया जाएगा इसका भी जवाब किसी के पास नहीं। आइए जानते हैं कि कब कोई बैंक दिवालिया या बैंक डिफॉल्ट होता है और भारत में इसे लेकर क्या कानून है। यूएस में सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के कुछ ही दिन बाद सिग्नेचर बैंक को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा फर्स्ट रिपब्लिक बैंक समेत 6 से ज्यादा बैंकों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी फर्स्ट रिपब्लिक समेत करीब आधा दर्जन बैंकों को अंडर रिव्यू में डाल दिया है। अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में शुरू हुई सुनामी यूरोप के सबसे बड़े बैंकों में से एक क्रेडिट स्विस के लिए भी खतरनाक साबित हुई। हालांकि स्विस नेशनल बैंक की ओर से दी गई उधारी से इसके डूबने का खतरा कुछ हद तक टल गया है। अब सवाल है कि आखिर कोई बैंक दिवालिया कब होता है। तो बता दें, किसी बैंक की लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो जाने और इस संकट से निपटने में उसके सक्षम न होने की स्थिति में वह दिवालिया या डिफॉल्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में आसान भाषा में कहें तो बैंक की कमाई उसके खर्चों की तुलना में काफी कम हो जाती है और वह लगातार नुकसान झेलता रहता है और इस संकट से उभरने में नाकाम होता है, तो फिर ऐसे बैंक को डूबा हुआ माना जाता है और रेगुलेटर्स इस बैंक को बंद करने का फैसला ले लेते हैं। सरकारी और प्राइवेट लगभग सभी बैंकों में काफी हद तक ये प्रक्रिया समान ही होती है। किसी भी बैंक के डूबने की स्थिति में सबसे ज्यादा झटका उसमें अपनी गाड़ी कमाई जमा कराने वाले ग्राहकों को लगता है और वे हर हाल में अपने पैसों को निकालने की जुगत में लग जाते हैं। एकदम से भारी निकासी का असर बदहाल बैंक को और जल्दी डूबोने में मदद कर देता है। अमेरिका में बैंकों के बंद होने के तुरंत बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन FDIC ने भी ग्राहकों का जमा वापस दिलाने का भरोसा दिलाया। लेकिन अगर FDIC के नियमों पर गौर करें तो अमेरिका में डिपॉजिटर्स को बैंक के डूबने की स्थिति में बैंक में $2.5 लाख तक डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है, यानी ग्राहक अपनी कुल जमा में से $2.5 लाख तक का अमाउंट गारंटीड पा सकते हैं। इस इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो डिपॉजिट इंश्योरेंस बैंक में जमा पैसे का बीमा होता है जो बैंक के डूबने की स्थिति में आपकी फंसी हुई रकम पर एक तय राशि रिकवर करने में सहूलियत देता है। भारत में भी बैंकों के डूबने की स्थिति में ग्राहकों के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस की सुविधा 60 के दशक से जारी है। देश में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC रिजर्व बैंक के अधीन इस नियम के तहत ग्राहकों की जमा राशि पर इंश्योरेंस कवर देती है। हालांकि भारत में 4 फरवरी 2020 से पहले बैंक जमा पर डिपॉजिट इंश्योरेंस महज 1 लाख रुपए का हुआ करता था, मतलब आपके बैंक में जमा भले ही 10 लाख से ज्यादा हो, लेकिन बैंक बंद होने या डूबने में आपको गारंटीड 1 लाख ही वापस मिलेंगे। मोदी सरकार ने इस नियम में बदलाव किया और डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया, यानी डूबने वाले बैंक में अकाउंट रखने वाले ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम इंश्योर्ड रहती है। जिस तारीख को बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाता है या बैंक बंद करने का ऐलान कर दिया जाता है, तो उस तारीख में ग्राहक के अकाउंट में जो जमा और ब्याज होता है उसमें से अधिकतम 5 लाख उसे मिल सकता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट सहित हर तरह के डिपॉजिट शामिल होते हैं जिनमें डाली गई राशि पर इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि इन नियम के तहत किसी बैंक के डूबने पर इंश्योरेंस के तहत अकाउंट होल्डर्स को पैसा 90 दिन के भीतर मिल जाता है, यानी तय समय के अंदर ग्राहकों को जमा राशि पर तय इंश्योर्ड राशि का पेमेंट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया पर गौर करें तो संकटग्रस्त बैंकों को पहले 45 दिन में इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को सौंपा जाता है, रेजोल्यूशन का इंतजार किए बिना 90 दिनों के अंदर प्रोसेस को पूरा कर लिया जाता है। भारत में भी बैंकिंग सेक्टर में अमेरिका के ताजा हालातों के जैसी उथल पुथल मच चुकी है और यस बैंक, लक्ष्मी निवास बैंक और PMC इसके उदाहरण हैं। हालांकि बैंक डूबने से बच गए थे, वहीं अमेरिका में दिवालिया हो चुके बैंकों का रिकॉर्ड लंबा है। अब तक तकरीबन 500 से ज्यादा बैंक डूब चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 157 बैंक साल 2010 में डूबे थे। तो ये थी हमारी रिपोर्ट ग्लोबल बैंकिंग कंडीशंस के ऊपर। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इस जानकारी को साझा करें।
इस प्रकार की ऑथेंटिक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन जरूर दबा दें।